नेक्स्ट टॉपिक जनरल करंट अफेयर है। ज्यादातर ये जो क्वेश्चंस हैं इसरो से है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के करंट अफेयर्स हैं जो एनडीए में हो सकता है क्वेश्चन आए, ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईरान ने रिसेंटली एससीओ ज्वाइन किया, फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन किया, फिनलैंड ने नाटो और पोलैंड ने भी नाटो ज्वाइन किया है। डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल बनाई है जिसका नाम है वी शोर्ट, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये याद कर लो, वी शॉर्ट्स का मतलब क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको मैन पैड कहा गया, क्या कहा गया है, मैन पैड। एक ही क्वेश्चन मैंने किया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दिखते नहीं है वहां पे, ये आपको आज आराम से दिख जाएगा, धीरे धीरे करेंगे तो आगे चल के बहुत फायदे होंगे। इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस 100%, ठीक है। लार्जेस्ट रॉकेट का नाम है LVM3, क्या है, LVM3, ये वन वेब इंडिया टू मिशन, इंडिया टू, इसमें इंडिया 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करेगा, लार्जेस्ट रॉकेट LVM3 के साथ, ठीक है। ये इसरो का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच इज द लार्जेस्ट रॉकेट, विच इज द लार्जेस्ट रॉकेट विच है रिसेंटली इंट्रोड्यूस बाय इसरो, ठीक है, कौन सा है, LVM3, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितनी सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की जाएगी, 36, ठीक है। युविका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी रिसेंटली क्वेश्चन कराया, ये इसरो का एक इनिशिएटिव है, जो यंग बच्चे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे होते हैं उनको साइंटिफिकली बताना, साइंसिस के बारे में बताना, स्पेस के बारे में बताना, और ये इनिशिएटिव कौन लेता है, इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, युविका, युविका का मतलब युवा विज्ञान कार्यक्रम, युवा विज्ञान कार्यक्रम, ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये याद करना है, ठीक है। एक पूछ सकते हैं, इसरो ने कौन सा बच्चों के लिए इनिशिएटिव लिया, उसका नाम पूछ सकते हैं, युविका, और पूछ सकते हैं लार्जेस्ट रॉकेट इसरो ने कौन सा लॉन्च किया है, निसार, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके भी 100% आने के चांसेस है, ये इसी 100% आने के चांसेस है, क्योंकि ये इंडिया ने यूएसए के साथ मिलकर ये सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है निसार। अब निसार जो है, ठीक है, एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है, क्या है, सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो इंडिया यूएसए के दोनों के कोलैबोरेशन से बनी है। निसार अर्थ पूछ सकते हैं, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निसार कब लॉन्च की जाएगी, 2024 में, और पूछ सकते हैं निसार चीज क्या है, इसका फंक्शनिंग क्या है, ये क्या करेगी, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, ठीक है। आपको पता है बहुत सारी सैटेलाइट्स है, जैसे एलन मस्क की आप सबने आसमान में किसी ने देखी है, किसी ने नहीं देखी, ठीक है, लंबी सारी सैटेलाइट एक साथ जा रही थी, ठीक है, वो सारी सैटेलाइट्स कोविड में बहुत सारी दिखी है, ठीक है। इंडिया ने अब अपने स्पेस में इसको बैन कर दिया है, ठीक है। इस तरह की सैटेलाइट्स क्या करती हैं, सारी जगहों की पिक्चर्स लेती हैं, उस जगह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, छोटे से छोटा कोना दुनिया को उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, फिर वो अपना दिमाग चलाएंगे इस जगह में क्या कमी है, क्या चीजें हैं, उसको क्या दिया जाएगा, ठीक है। और ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मिशन 2024 है, पहला मैन सॉरी आदित्य सन के लिए है, ठीक है, स्पेस प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है, आदित्य एल वन जो है सन से रिलेटेड काम करेगा, जैसे यूएसए पहली कंट्री बन रही है जो सन की तरफ जा रही है। देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वेरी इंपॉर्टेंट रिप्लेसिंग 9 सैटेलाइट इन मल्टी ऑर्बिट यूजिंग, ये क्या है, ये भी PSL LVC 54, इसके अंदर भी सैटेलाइट जाएंगी, ठीक है, कितनी एक साथ सैटेलाइट, इसमें भी 62 या 26 दोनों की एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है,
ठीक है, इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? PSLV C-54। क्या है? C-54 आपको याद रखना है। ये रहे आपके इसरो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आप जो नए बच्चे हैं वो देख रहे हैं इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, इसको इसरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसरो। ये पाकिस्तान के 10 साल बाद बनाई गई थी, 1969 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, यही है या 59, चेक कर लो। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में, कहाँ पे है? बेंगलुरु, ठीक है। और फर्स्ट इसके जो चेयरमैन थे इसरो के, फर्स्ट चेयरमैन विक्रम साराभाई, कौन थे? विक्रम साराभाई। और करंट जो चेयरमैन है दिल्ली, कहाँ पे है? ये डिफेंस के अंदर आती है, डिफेंस के सारे काम करती है, ठीक है। डीआरडीओ पहले बनाई गई थी इसरो से, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO कहा जाता है, ठीक है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब आप लोगों के क्वेश्चन, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। मिसाइल वुमेन, वेरी गुड। कैसी थॉमस इनका। भारत पहली कंट्री है जिसने अपना और मंगल के आउटर स्पेस में अपना ऑर्बिट लॉन्च किया था। भारत बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च ऑर्बिट आउटर ऑर्बिट नियर मार्स, ठीक है। कैसी थॉमस, यही है, ठीक है, कैसी थॉमस। और मिसाइल मैन फादर ऑफ न्यूक्लियर किसको कहा जाता है? जेम होमी, ठीक है। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंसेस, न्यूक्लियर साइंसेस, ठीक है। जेम होमी बाबा, जहांगीर बाबा, ठीक है, इनका नाम। और फादर ऑफ और कोई है स्पेस का फादर नहीं है, नहीं है। चलो, नेम द चेयरमैन हु इंट्रोड्यूस, जिसने अभी चंद्रयान फर्स्ट जिसने लॉन्च किया था, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था। तुम बहुत गिरते हो, फर्स्ट लॉन्च किया है, रहने दो, चलने दो, कोई बात नहीं। लॉन्च किया है किसने? के सिवान। कौन थे देश के? के सिवान जो थे चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया। ये रहा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड इसके बाद करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।